विधानसभा चुनावों में नदौन से बीजेपी उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला। विजय अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्षेत्र का विकास नहीं करवाया है। आइए देखते हैं बीजेपी उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री के साथ बातचीत के अंश। विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। हम नदौन विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय विधायक एवं इस बार के बीजेपी उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कैसे उनकी कैंपेन चली है। विजय जी बताएंगे किस तरह आपका प्रचार अभियान आजकल चला हुआ है। हमारा प्रचार अभियान बहुत सुनियोजित ढंग से हर सेक्टर वाइज, जिला परिषद वार्ड वाइज और बूथ वाइज चला हुआ है। मैं भी जगह जगह जाकर जनता के साथ मिलकर वहाँ नुक्कड़ सभाएं करके जन प्रचार अभियान में लगा हूँ। वैसे भी पिछले 5 वर्षों में मैं लोगों के बीच में रहा हूँ और कंस्टिट्यूंसी में कई कई बार मैं हर जगह जा चुका हूँ। इस करके बहुत अच्छी तरह से चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है। लोगों की बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। अग्निहोत्री जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में इस बार? जनता के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके कामों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और प्रदेश सरकार की नाकामियों को, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो, इस प्रदेश की सरकार हर मामले में असफल रही है। और यहाँ के जो स्थानीय नेता है, उन्होंने तो लोगों को 4.5 साल तक तंग किया है और यहाँ के विकास में रोड़ा बने हैं। इस करके इन मुद्दों को, मोदी जी की नीतियों को और प्रदेश सरकार की असफलताओं को लेकर, कमियों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। अग्निहोत्री जी, आपकी वीआईपी सीट है नदौन, क्योंकि आपके जो दूसरे प्रतिद्वंदी है वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या मानते हैं कितना मतलब यहाँ पे फाइट लग रही है इस पर? ऐसे वीआईपी सीट कहने को है, लेकिन मैं एक आम व्यक्ति हूँ, आम व्यक्ति की तरह रहता हूँ। मेरे लिए विधायक का कोई बड़ा मायने नहीं रखता है और आम व्यक्ति ही मुझे चुनते हैं। हर जनता का बहुत साथ मिलता है मेरे को, जो बहुत जनता का भरपूर साथ मिल रहा है और इसको बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हमारे कार्यकर्ता जीतेंगे, यहाँ की जनता जीतेगी। अग्निहोत्री जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज का मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा है, तो और कांग्रेस का भी आरोप रहता है कि बीजेपी डंगे उड़ा रही है इसमें, तो इस पे क्या कहना चाहिए? सरासर झूठ आरोप है, क्योंकि अड़ंगे केवल कांग्रेस सरकार विकास में अड़ाती है। हमने तो उसको फैसिलिटेट किया है। जब एक भी पैसा मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत नहीं था, विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में भी आया था, तो हमने केंद्र में जाकर नड्डा जी से मिलकर, केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर इसके लिए, हर कॉलेज के लिए 199 करोड़ रुपया आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व वाली डिपार्टमेंट ने उसको सेंक्शन किया है, उसको पैसे दिए। अब प्रदेश में काम शुरू करवाना, प्रदेश के में लैंड आइडेंटिफाई करना, लैंड की एनओसीज लेना, वो प्रदेश सरकार का काम होता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ये आरोप है कि जहां अगर प्रदेश की सरकार नाहन में, चंबा में क्लासेस शुरू कर सकती है, तो हमीरपुर में क्यों नहीं शुरू की? तो ये थे हमारे साथ नदौन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री, जिनका कहना है कि उनका प्रचार अभियान पूरे जोरों शोरों से चला हुआ है और अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एस्ट्रो के साथ। नमस्कार।